नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी शिवपाल में एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। साथियों, जैसे कि आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार था, झारखंड पुलिस वैकेंसी का जो फॉर्म निकल के आई थी उसका फॉर्म कब से फिलअप होगा, तो दोस्तों फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार से आप इस भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, सभी के बारे में यहाँ पर हम लोग आप सभी से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, क्योंकि दोस्तों वीडियो अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो आपको कहीं पर अगर कोई दिक्कतें होती है, आप गलती भर देते हैं तो आगे आपको दिक्कत हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए चलते हैं आगे और वीडियो में बने रहते हैं और पूरी विस्तृत जानकारी लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप पूरी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में फॉर्म फिलअप करने का स्टेप को देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको झारखंड जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है, उसका भी ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ऑफिशियल वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो जाइएगा। यहां पर दोस्तों जैसे ही आते हैं आपको अप्लाई फॉर्म के में क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई फॉर्म में क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको इस प्रकार का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में ही दिखाई दे रहा है ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर JCCE 2023। तो आपको राइट साइड में आना है, आपको अप्लाई नाउ में क्लिक करना है। अप्लाई नाउ में क्लिक करते हैं छोटा सा पॉपअप खुल के आएगा, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से आपको खुल के आएगा। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दिखाई दे रही है कि 22 जनवरी 2024 से लेकर 21 फरवरी 2024 तक इस भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप होने वाली है और पेमेंट की लास्ट डेट दोस्तों 23 फरवरी है। साथ ही साथ दोस्तों फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का लास्ट डेट यहां पे 25 फरवरी 2024 है, जहां तक आप फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आपका फॉर्म में कोई भी गलतियां हुई है उसको सुधारने का डेट यहां पे 26 फरवरी 2024 से लेकर 28 फरवरी 2024 तक दी गई है। तो आप डेट को ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। आइए हम लोग अप्लाई करते हैं इस फॉर्म को और देखते हैं कहां कहां पे हम लोगों को क्या क्या भरना है और क्या क्या गलतियां नहीं करना है। सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन के बटन में क्लिक करना है तो आपको इस प्रकार से फॉर्म खुल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले आपको अप्लीकेंट का फर्स्ट नेम यहाँ डालना है, आपको टोटल नेम यहाँ पर नहीं डालना है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, जैसे मेरा नाम कमलेश वाकला है तो मैं यहाँ पे कमलेश केवल डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट नेम डालना है सेकेंड नंबर में, तो यहाँ पर मैं बाकला डाल देता हूँ इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको फुल नेम डालना है, जैसे कि मेरा नाम है कमलेश वाकला तो यहाँ पर हम पूरा नाम डाल देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको डालना है, यहाँ पर गलतियां नहीं कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका चुन लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर का पूरा नेम यहाँ पे डालना है, ठीक है ना, फादर का पूरा नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मदर का पूरा नेम डालना है। नीचे आइएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको आपका जेंडर चूज कर लेना है, आप मेल है फीमेल है, कौन सा अदर है तो अदर कर दीजिएगा, मेल है मेल कर दीजिएगा, फीमेल है फीमेल कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है, चुनना है, आपका मोबाइल नंबर टाइप करना है। फिर से दोस्तों यहाँ पे आपको कंफर्म मोबाइल नंबर यानी कि जो मोबाइल नंबर आपने डाला वही मोबाइल नंबर यहाँ पर भी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर मैंडेटरी है आपको आधार नंबर डालना, आपके पास अगर आधार नंबर है तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा आधार नंबर यहाँ पर आपको डालना जरूरी है। यहाँ पर आपको आपका वैलिड ईमेल आईडी डालना है, फिर कन्फर्म ईमेल आईडी फिर से डाल देना है, यानी कि दो दो बार आपको ईमेल आईडी यहाँ पर भी डाल देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको नेशनलिटी चूज करना है, इंडिया, अगर आप इंडियन है तो, नहीं है तो फिर इस फॉर्म को छोड़ ही दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, यानी कि आपके शरीर में कोई भी तिल हो, कट मार्क हो, वर्ण मार्क हो, वो भी कोई भी मार्क हो तो आप इसमें एक डाल दीजिएगा। अगर दोस्तों आपके शरीर में कोई और मार्क हो तो आप यहाँ पे सेकंड मार्क भी डाल सकते हैं, अन्यथा सेकेंड मार्क को छोड़ सकते हैं। अब नीचे आइएगा, यहाँ पर लैंग्वेज पेपर टू के लिए आप कौन सा लैंग्वेज पेपर लेना चाहते हैं, जैसे आप उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी हो, खड़िया, जो भी लेना चाहते हैं आप यहाँ पे ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश सब कुछ है। आप यहाँ पे नागपुरी लेना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे आइएगा, यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो मैरिड चूज कीजिए और अनमैरिड है तो अनमैरिड चूज कीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार से सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आता है अदर इन्फॉर्मेशन में आपको क्या करना है। वैकेंसी टाइप में दोस्तों यहाँ पर आपको तीन प्रकार का टाइप दिखाई देगा, रेगुलर, बैकलॉग और वर्थ। रेगुलर मतलब दोस्तों अगर आप नए फॉर्म भर रहे हैं तो नए के लिए रेगुलर कर दीजिएगा। बैकलॉग के लिए, बैकलॉग में आता है कि आप पुराने वैकेंसी के लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैकलॉग सेलेक्ट कीजिएगा, और दोनों के लिए करना चाहते हैं तो बोथ कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको करना है आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि क्या आप झारखंड के लोकल रेसिडेंट हैं, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। अगर दोस्तों झारखंड के लोकल रेसिडेंट नहीं है, अगर आप झारखंड से बाहर से भर रहे हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए
आएगा यू आर। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर आप झारखंड के बाहर से बढ़ रहे हैं तो नो कर दीजिएगा, और आपको कोई भी कैटेगरी से आप आते हैं, चाहे एसटी हो, एससी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, कोई भी कैटेगरी से आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे यू आर यानी कि जनरल कैटेगरी से ही आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर आप इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको जो जेएसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको आप पूरी विस्तृत से देख सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप इसे देख सकते हैं, वहाँ पर मैं विस्तृत जानकारी दिया हुआ हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप झारखंड से भर रहे हैं तो येस कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंस सिलेक्ट करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है, कौन से कैटेगरी से आते हैं, यूआर से तो यूआर, एससी से एससी, एसटी से एससी, ईबीसी वन से या ईबीसी टू या ईडब्ल्यूएस से आते हैं, कोई भी कैटेगरी से आते जो अपना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा जा रहा है आर यू बिलोंग टू प्राइवेट ट्राइब, यहाँ पे प्राइवेट ट्राइब, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप येस करते हैं तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि कौन से प्राइवेट ट्राइब से आप आते हैं, जैसे कि यहाँ पर सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, खोरवा, परहारिया, बिरजिया, बिरहोर, असुर, साबर, ये सब आते हैं प्राइवेट ट्राइब में। तो दोस्तों अगर आप इस ट्राइब से आते हैं तो आप यहाँ पर येस कर दीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर आप नो ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर आप पहले से जॉब करते हैं तो येस कर दीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो कर दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि हैव यू सर्व्ड एट इन होम गार्ड ऑफ 3 ईयर्स और एटलीस्ट 6 मंथ्स। दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आप 3 साल या फिर 6 महीना से होम गार्ड का वैकेंसी में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप काम कर रहे हैं तो येस कर दीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप कर रहे हैं तो येस कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको डालने के लिए बोला जा रहा है कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का डेट डालने के लिए बोला जाएगा, और यहाँ पर सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको डालने के लिए बोला जाएगा। आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आपको हूबहू पता होगा कि सीरियल नंबर क्या होता है और डेट क्या होता है, वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आप स्पोर्ट कोटा से भी आते हैं तो यहाँ पे येस कर दीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। स्पोर्ट कोटा से आते हैं तो यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि कौन सी टाइप है आपका, स्पोर्ट का टाइप कौन सा है, स्पोर्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना है, और इशू डेट यहाँ पे डाल देना है आपका सर्टिफिकेट का। और दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो नो कर दीजिएगा। इन सभी को एकदम ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर गलतियां मत कीजिएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा इस वैकेंसी में फंस सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ के आपको आना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालने के लिए। अब यहाँ पे डालना है कि आपका 10th यानी कि मैट्रिक पास कौन से बोर्ड से किए थे, जैक बोर्ड से किए थे, बिहार बोर्ड से किए थे, कि कौन सा बोर्ड से, विनोबा भावे बोर्ड से किए हैं, कौन सा बोर्ड से, जो भी बोर्ड, झारखंड बोर्ड है तो JAC यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है ना। झारखंड बोर्ड से है तो JAC डाल देना है, जो भी आपका बोर्ड है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। अब दोस्तों यहाँ पे पासिंग ईयर आपको डालने के लिए बोला जा रहा है, पासिंग ईयर और मंथ आप अपने मार्कशीट में देख सकते हैं, नीचे साइड में या फिर ऊपर साइड में आपको दिखाई देगा कि आपका पासिंग ईयर और मंथ क्या है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे आपको रिजल्ट का स्टेटस डालना है कि आप पास किए हैं या फिर नहीं, मिनिमम पास ही किए हुए हैं वही भर सकते हैं, फेल किए हुए यहाँ पे नहीं भर सकते हैं। रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, फिर आपको यहाँ पे परसेंटेज डाल देना है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपका परसेंटेज में नहीं है, आपका मार्कशीट CGPA में है, तो आपको यहाँ पे CGPA का जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो दोस्तों आपको आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालने के लिए बोला जाएगा। जो भी एड्रेस है दोस्तों यहाँ पे, अगर आपका जैसे परमानेंट एड्रेस अलग है और आप जहाँ पे रहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है, तो यहाँ पे अलग अलग डालिएगा, और अगर आपका सेम है दोनों एड्रेस तो आप यहाँ पे सेम डाल दीजिएगा। जो भी एड्रेस है यहाँ पे आपको डालना, विलेज, पोस्ट, थाना, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जो भी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे चेक मार्क डाल दीजिएगा, दोनों में सेम फील हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आइएगा, सबसे पहले तो आप पूरा चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट बटन में क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग पूरे विस्तृत सभी कुछ को बताते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने सब कुछ को पूरी अच्छी तरह से भर लिया हूँ, और यहाँ पर मैंने चेक भी कर लिया, आप भी पूरी तरह से भर लें, उसके बाद एक या दो बार अच्छी तरह से चेक कर लें, उसके बाद ही दोस्तों आपको यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट बटन में क्लिक करना है। चलिए हम लोग प्रीव्यू एंड सबमिट बटन में क्लिक करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट बटन में क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर प्रीव्यू खुल के आ जाएगा, यहाँ पर आप अच्छी तरीके से सब कुछ को चेक कर लें।
सब कुछ चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर चेक मार्क में चेक मार्क डाल देना है और यहाँ पे इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको फिल करना है, फिर आपको सबमिट बटन में क्लिक करना है। तो चलिए कैप्चा कोड को फिल करते हैं और सबमिट एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं। तो सबमिट एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से आपको खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा और आपका नाम ऊपर में दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लॉगिन बटन नज़र आएगा। सबसे पहले तो आपको इसको या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको या तो फिर आप फोटो खींच के रख लें आपके मोबाइल या कोई भी में, या फिर कहीं पे लिख के रख लें ताकि दोस्तों आगे फ्यूचर में आपको ये काम आए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लॉगिन बटन में क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन बटन में क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आया था वो दोस्तों यहाँ पे डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर कैप्चा कोड को डालने के बाद फिर आपको लॉगिन करना है। तो चलिए हम लोग लॉगिन करके देखते हैं क्या कहता है। जैसे दोस्तों लॉगिन बटन में क्लिक करते हैं तो आपको फिर से इस प्रकार का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि काइंडली फिल द रिमेनिंग स्टेज वंस द पेमेंट गेटवे विल एक्टिवेट एक्टिव। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पेमेंट गेटवे एक्टिव नहीं किया गया है, बस अभी आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जैसे कि दोस्तों JCC का जो भी फॉर्म आता है आपको 24 घंटे का टाइम दिया जाता है अगला स्टेप में रिडायरेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पर पेमेंट गेटवे अभी तक एक्टिव नहीं किया गया है। जैसे एक्टिव हो जाएगा दोस्तों आपके लिए आपको अगला प्रोसेस का वीडियो बना के चैनल पे डाल दूंगा। तो दोस्तों इतना ही इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों आगे का स्टेप अभी एक्टिव नहीं किया गया इसलिए आगे का स्टेप नहीं बता पा रहा हूँ। आगे का स्टेप देखने के लिए दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आगे का स्टेप एक्टिव हो जाता है मैं आप सभी के लिए एक नए वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और नए नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए, नए नए भर्ती के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए आगे आने वाले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।